हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन द ब्लॉग। आज बहुत दिन बाद एक नया एक वीडियो लेकर के आए हैं। चितरंजन का दुर्गा पूजा का पंडाल दिखाएंगे। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और इस भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आज पूरे चितरंजन का टॉप जो पंडाल बना है वो सब दिखाएंगे, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। फाइनली देखिए, हम है और इधर है सिंटू भाई है, कैमरा यही पकड़ेगा। और इधर देखिए मेरा धन्नो। फाइनली देखिए नॉर्थ का पंडाल। फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं झील पहाड़ी और झील पहाड़ी का पंडाल का नज़ारा दिखाएंगे। फाइनली देखिए आ गए हैं झील पहाड़ी और झील पहाड़ी का पंडाल का नज़ारा देखिए, बैक कैमरा से दिखा रहे हैं। चलिए अंदर का व्यू दिखा रहे हैं। अभी काम रंगारंग चल रहा है। यहाँ से आप निकल रहे हैं, सीधे जाएंगे सिमजोड़ी और सिमजोड़ी का नज़ारा दिखाएंगे, वहाँ का भी पंडाल का नज़ारा दिखाएंगे। उसके बाद जाएंगे सीधे फतेहपुर, फतेहपुर का भी नज़ारा दिखाएंगे। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। सिमजोड़ी पहुँच गए, देखिए रास्ता नंबर दिखा रहे हैं, स्ट्रीट नंबर दिखा रहे हैं। यहाँ पर बनाया गया है चंद्रयान 3। और ये देखिए इधर विक्रम लैंडर बनाया गया है। फाइनली अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का है, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा। कहाँ का सबसे अच्छा पंडाल बना है वो भी कमेंट कीजिएगा। और पूरे चितरंजन का पंडाल दिखाएंगे, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। इधर का देखिए नज़ारा, पूरा चंद्रयान 3 बना दिया। और फाइनली यहाँ से सीधे जा रहे हैं फतेहपुर, फतेहपुर का भी नज़ारा दिखाएंगे। फतेहपुर का नज़ारा देखने के लिए रेडी रहें आप लोग। फाइनली आ गए हैं, देखिए फतेहपुर, फतेहपुर का नज़ारा दिखा रहे हैं। थीम देखिए कुछ इस तरह का है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हैं फतेहपुर में और फतेहपुर का देखिए थीम कुछ इस तरह का है। अमला दही जाएंगे सीधे एरिया 6, एरिया 6 का पंडाल दिखाएंगे। तो
आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं एरिया 6। एरिया 6 का देखिए थीम दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह का है। अभी पीछे में देखिए कुछ प्रोग्राम चल रहा है। फाइनली यहाँ से जा रहे हैं एरिया 4। एरिया 4 का भी पंडाल का नज़ारा दिखाएंगे। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। एरिया 4 का देखिए पंडाल का नज़ारा कुछ इस तरह का है। अभी देखिए यहाँ रंगारंग काम चल रहा है। अभी देखिए हम हैं एरिया 4 में, और एरिया 4 का देखिए पंडाल कुछ इस तरह का है। आप लोग कमेंट करें कहाँ का पंडाल सबसे अच्छा लगा। एरिया 4 से निकल के एरिया 5 के लिए हम लोग निकल चुके हैं। फाइनली पहुंच गए हैं देखिए एरिया 5। एरिया 5 का देखिए पंडाल कुछ इस तरह का है। अभी बैक कैमरा से दिखा रहे हैं। देखिए ये भैया आ गया है, भैया से परमिशन ले लिए हैं अंदर जाने का। फाइनली अभी दिखा रहे हैं देखिए अंदर का थीम किस तरह का है। यहाँ का थीम देखिए इसमें पहले हम लोग चावल रखते थे उसी का थीम बनाया गया है। बहुत ही अच्छा बना गया है यहाँ का थीम। और इधर का देखिए चूल्हा, देखिए हरिया, देखिए इधर देखिए हरिया है, इधर देखिए चूल्हा है, गोइठा है, इसको हम लोग गोइठा बोलते हैं। देखिए पूरे धान उन देखिए धान है इधर। बाकी देखिए यहाँ का देखिए थीम देखिए किस तरह का है। आप लोग अभी तक कमेंट नहीं किए हैं कहाँ का थीम सबसे अच्छा लगा, लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस भाई को सपोर्ट कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आते रहेगा। एरिया 5 पंचमपुर चित्तरंजन एरिया 5 पंचमपुर ठीक है। এখানে 72তম পূজো হ্যাঁ এটা যেবার আমাদের থিমের নাম উৎসব হ্যাঁ আমাদের গ্রামের যে পরিবেশ সেই পরিবেশকে আমরা তুলে ধরেছি। টিভি 9 বাংলা হ্যাঁ বাংলা এটা আমাদেরকে প্রাইজ দিয়ে গেছে। টিভি 9 বাংলা জেলা সেরা ঠিক আছে। जैसे कि इसमें हम लोग चावल वावल रखते थे, धान मकाई ये सब जो रहता था इसी में रखते थे ना दादा। हाँ इधर देखिए
चूल्हा देखिए, हड़िया देखिए इस मिट्टी का, इसी में हम लोग चावल पकाते थे पहले। और यहाँ पर देखिए धान उन रखा हुआ है, गोइठा जो हम लोग गोबर से बनाते हैं उसी चीज़ का देखिए थीम बनाया गया है एरिया फाइव में। अभी हम लोग का एक जो थीम है, हाँ, एक तरह से बोला जाए तो पूरा ऑर्गेनिक तरीका से है ये नेचुरल। जितना भी आप देख रहे हैं पूजा मंडप में है, लगा हुआ है, सब नेचुरल आइटम लगा हुआ है। सही, ग्लोबल वार्मिंग का जमाना है, हम लोग ये भी थीम को दिखाया है कि एक नेचुरल तरीका से भी पंडाल को बनाया जा सकता है। सही बात है भाई, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस किए हैं। आप जहाँ देख रहे हैं बांस का सूप लगा हुआ है, बिचाली है, झूड़ी बना हुआ है, सब ये सब मतलब इससे क्या होता है ना कि ये सब जो बना रहे हैं उसको भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट देने का कोशिश किए हैं। हाँ। उनका सामान यूज डायरेक्ट करके इस जमाना में उनको भी पूजा के माध्यम से कुछ ना कुछ उनको भी रोजगार दिया जाए। नहीं नहीं सही बात है, हम लोग तो देख रहे हैं कितना दिन से बन रहा है, लेकिन जो मेरा वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उन लोग को पता नहीं है कि कितना दिन से ये सब बन रहा है। ये बनना स्टार्ट हम लोगों का लगभग 2 महीना पहले से स्टार्ट हुआ था, और ये कल शाम तक जाकर फिनिश हुआ है। आज भी कुछ थोड़ा काम बचा हुआ वो कंप्लीट हो जाएगा, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। फाइनली पहुंच गए देखिए गड्ढा कॉलोनी, और यहाँ का देखिए थीम। फाइनली फ्रेंड्स देखिए पहुंच गए हैं गड्ढा कॉलोनी, और गड्ढा कॉलोनी का पंडाल का नज़ारा दिखाएंगे। अभी देखिए टीम रेडी नहीं हुआ है, अभी रेडी हो रहा है, एक बार कर सब लगा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली अभी आए हम गड्ढा कॉलोनी में, और यहाँ का देखिए टीम कुछ इस तरह का है। फाइनली लेके आ गए हैं पश्चिमी अमला देही में, तो यहाँ का देखिए पंडाल कुछ इस तरह का है। हेलो गाइस, फाइनली आप देख सकते हैं पश्चिमी अमला देही का पंडाल, यहाँ का थीम देखिए कुछ इस तरह का बनाया गया है। अभी देखिए काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जोरदार से देखिए काम हो रहा है। अब फाइनली यहाँ से जा रहे हैं सीधे पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप के बगल का पंडाल दिखाएंगे, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे। अभी हम लोग फाइनली आ गए हैं हॉस्पिटल कॉलोनी, और यहाँ का देखिए नज़ारा।
हॉस्पिटल कॉलोनी का देखिए नज़ारा, कुछ इस तरह का थीम बनाया गया है। इसरो का बनाया हुआ देखिए मिसाइल। फाइनली देखिए हम दिखा रहे हैं एरिया 3 का नज़ारा, पेट्रोल पंप के बगल का नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स, चितरंजन का पूरा पढ़ा दिखा दिए, आप लोग को कैसा लगा, तो कहाँ का थीम सबसे अच्छा लगा आप लोग कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, रात का नज़ारा भी आप लोग को देखने को मिलेगा, तो इस चैनल पे आप लोग जुड़े रहें और फिर नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।